हेलो, कैसे हैं आप सभी? होप सब सभी अच्छे हैं और मैं भी एकदम से अच्छी हूँ। और आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है 3 बजे से। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था वीडियो में कि अब पारुल बहुत कम दिखेगी, लेकिन फिर सडनली पारुल का शिमला आना हुआ क्योंकि इसको अपने ऑफिस के भी काम थे और इसने अपनी सिम एंड ऑल वो सारी चीज़ें सबमिट करवानी थी, तो आई। और आते आते देखो अपने साथ साथ क्या लाई। एक चीज़ तो हमेशा ही होती है, जब पारुल आती है कुछ बने ना बने चाय ज़रूर बनती है। तो चाय के साथ साथ पारुल और कुछ खाने के लिए ले आई है। क्या ले आई है पहले मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे देखो, ये देखो तो गाइस पारुल पहुँच चुकी है यहाँ पे। और देखो चाय के साथ समोसे ले, ऐसा हो नहीं सकता कि पारुल आए और चाय ना बने, तो तभी बनती है। और अभी हम देख रहे थे इधर, ये लगाया था तारक मेहता का उल्टा चश्मा। और देखो पारुल का बैग, ये कितना सुंदर सुंदर लगता है ना, बहुत प्यारा लगता है। देखो ये बैग अब इसने कैरी किया होता है, जबकि ये बैग उठाती नहीं है, पर बहुत सुंदर। समोसा पार्टी पूरी हो गई, ये भी आ गई। पारुल ने 3 लाए थे ना, इसका भी हो गया। देखो आज तो ये सब्जी भी लेके आई इतनी सारी। हेलो आंचल, देख रहे हो भाई इसको? अब इसने नहीं देखना इस साइड पर। चलो हम अभी समोसा पार्टी कर रहे हैं, फिर मिलते हैं आपसे। तो गाइज ये देखो, मैंने ना आंचल से सामान मंगाया था आज। सब्जियाँ वगैरह ख़त्म हो गई थी ना हमारे पास, तो सब्जियाँ बनाने के लिए नहीं थी। तो पहले तो इससे मैंने टमाटर मंगाया थोड़े, तो यहाँ टमाटर थे भी, मैंने सोचा और ला के रखती हूँ। और प्याज तो ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो गया था, टमाटर प्याज इससे मंगाया। और इसने और क्या लाया होगा, और एक चीज़ दिखाती हूँ। यहाँ देखो मार्केट से ना आंचल ने लाया 4 नींबू, जो कि 20 रुपये के 4 है। और ये देखो, और अंकल ने यार, ये जो हमारे लैंडलॉर्ड अंकल है उनके अपने नींबू थे, ये देखो मकान मालिक अंकल के, 4 10 रुपये के 4। और भाई घर के नींबू कितने टेस्टी, कितने अच्छे होते हैं। फिर मैंने सोचा ना मैं यही नींबू आज ले लेती हूँ, मतलब मैं ले लेती हूँ यार, ख़त्म हो जाएंगे बाद में। फिर ये देखो डिफरेंस, ये भले ही पके हुए से हैं पर ये ना डिफरेंस इसमें बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये अपने नींबू है, अपनी खेती है, और ये भी मतलब खुद के उन्होंने उगाए हुए हैं। और ये देखो मार्केट वाले नींबू हैं, और ये 20 रुपये के हैं और ये 10 रुपये के 4 है, तो ये डिफरेंस होता है देखो। तो और भी इसने कुछ सामान लाया, मैंने इससे सामान मंगाया था। और देखते हैं क्या क्या इसने लाया। प्याज भी लाया है, कितने बड़े बड़े प्याज लाए पगली ने। तो चलो प्याज भी मैंने खाली कर दिया है, खुद नहीं डाला तूने इसमें। इसने आलू लाए हैं, और मैंने इससे आलू भी मंगाए थे, तो आलू ना अभी, हाँ आलू भी बड़े बड़े हैं देखो मस्त। तो आलू अभी यहीं रखेंगे नीचे। और इसमें ना फ्रूट्स भी मंगाए थे मैंने इससे, वाह। ये देखो ककड़ी भी लेके आई है, और अदरक तो मैंने बोला नहीं था पर अदरक चलो इसने खुद ही ला लिया है। और मिर्ची भी लाई है, मिर्ची तो हम यहाँ कम ही खाते हैं, खाते कोई नहीं है, कभी अगर पापा आगे घर से पापा ने खा ली, अदरवाइज तो हम तो कम लेते हैं, पर चलो ठीक है। अब मैं सोच रही हूँ, ये देखो फ्रूट टोकरी में मैंने रख लिए हैं। और इसको मैंने अनार लाने को बोला था बट वो तो इसने लाया नहीं, पर चलो कोई बात नहीं। ये देखो केले भी हमने निकाल दिए हैं, हरे हरे केले लाए पगली ने, एक दर्जन केले लाए हैं। देख के लाए, मैंने वो हरे नहीं है, वो मैंने खाते देखे हैं, टेस्ट करके लाए। दिया नहीं अंकल ने, वो खाया हुआ केला इसमें डाला था मैंने। अच्छा यहाँ जो है, मैं भी सोचू अलग से क्यों है। तो चलो ठीक है, ये हो गया, ये हमारा सामान आ गया। ले सर ले ही जाए इसको खाया हुआ जो। ये देखो नींबू। तो गाइस शाम का मेन्यू आज हो गया है डिसाइड। आज बनाएंगे हम शाम को पनीर, क्योंकि अभी पनीर आंचल लेके आ गया है, तो अभी हम बनाएंगे शाम के लिए पनीर। तो अभी काफ़ी टाइम है, अभी तो 4 ही बजे, अभी ये घड़ी रेस्ट कर लेते हैं। आंचल तो सो गया आके, तो आज इसने खाना तो खाया नहीं, समोसा खाया, बस समोसा खा के हो गया इसका। तो अब शाम को बस थोड़ी देर में 5-1 बजे के बाद हम पनीर वगैरह बनाना शुरू करेंगे। तो अभी देखते हैं फिर, बाकी शाम का डिनर तो आज डिसाइड हो गए हैं, बाकी तो फिर फिलहाल बस हम बैठे हैं अभी समोसा पार्टी करके। और आज का जो सामान मतलब मैंने मंगाया था वो भी आ गया है, तो बस सब देखते हैं आगे जो भी करेंगे आप बने रहिए। तो पहले सोची थी मैं सो जाती हूँ, लेकिन पर फिर सोचा मैंने कि क्या ही सोना है, थोड़े बहुत मेरे पास बर्तन भी धोने होते और किचन की साफ़ सफाई भी कर लेती हूँ, वैसे भी 4 बजने वाले हैं तो क्या ही सोऊँ। तो मैं सोच रही हूँ मैं पहले बर्तन धो लेती हूँ और फिर किचन की सफाई करती हूँ, फिर देखती हूँ, फिर टमाटर प्याज काट के रखती हूँ, फिर शाम के डिनर की तैयारी अभी कर ही लेती हूँ। अब तो क्या ही सोना, अब तो टाइम हो गया, शाम को ही सोऊंगी अब तो। तो चलिए
पहले लग जाते हैं सफाई। अभी तो 2 मिनट के अंदर कैसे मेरे पास बर्तन धोने को आ गए इतने सारे, और इसमें तो चावल बचे तो ये शाम के लिए आ जाएंगे। फिर ये देखो, तो अब मैं पहले बर्तन धो लेती हूँ, फिर जाके साफ सफाई करूँगी, तब जाके देखूँगी आगे का प्रोग्राम के आगे मैं क्या करूँगी। तो बने रहिए मेरे साथ आप ही। तो बर्तन मेरे हो चुके हैं और अब मैं कर देती हूँ सफाई। तो सफाई कर लेती हूँ और फिर देखती हूँ आगे क्या करूँगी, जो भी चीज़ें करूँगी शेयर करूँगी आपके साथ। बने रहिए व्लॉग में एंड तक, तो मेरा रूटीन देखते रहिए। तो यहाँ पर मैंने ना पनीर काट दिए। हाँ ओके ओके, तो यहाँ पर मैंने ना पनीर काट दी है और अब मैं बनाऊँगी। मैं सोच रही हूँ कि बना के रखती हूँ पनीर, क्योंकि शाम को आंचल को भी जल्दी भूख लग जाएगी, उसने अभी नहीं खाया है, तो बना देती हूँ। फिर उसके बाद होती है सफाई ही करनी। तो देखिए यहाँ पे ना मैंने तेल लगा दिया है गरम करने को, तेल मैंने लगा दिया है, और तेल के साथ साथ ही मेरा टमाटर मेरे कट चुके हैं, प्याज मेरा कट चुका है, और मसाले का मैं ये यूज़ करूँगी, और इसके साथ मैं थोड़ा सा अदरक यूज़ करूँगी, लहसुन था नहीं, तो मैं इसे अब बनाना स्टार्ट कर देती हूँ, फिर मैं आपसे मिलती हूँ उसके बाद। तो अब तेल के आने का वेट करती हूँ मैं, जैसे ही तेल आएगा वैसे ही फिर मैं बनाना स्टार्ट करूँगी इसको। बस तेल ऑलमोस्ट मेरा आ चुका है, बस थोड़ा और अच्छे से आने देती हूँ, फिर जाके मैं बनाना स्टार्ट करती हूँ। तो ये देखिए प्याज मैंने ना यहाँ पे डाल दिया है, और मैं कोई आप लोगों को सिखा नहीं रही हूँ, मैं तो बस अपना सिंपल जैसे मैं बनाती हूँ वही आपको दिखा रही हूँ। तो अभी मैं प्याज को इसको ब्राउन होने दूंगी थोड़ा सा, फिर जाके इसमें बाकी मसाले का यूज़ करूँगी। तो अभी जब तक ये ब्राउन नहीं होता है तब तक मैं इसका वेट करूँगी, और जैसे ही ब्राउन होगा वैसे ही मैं इसमें अपने बाकी मसाले डाल दूँगी। मैंने इसमें सारे इंग्रेडिएंट डाल दिए हैं, और अब थोड़ा सा टमाटर को पकने दूँगी मैं। जैसे ही टमाटर पकते हैं उसके बाद जाके मैं फिर पनीर इसमें डालूँगी। ये देखो अभी ये पक रहे हैं, अभी अच्छे से मेरी ग्रेवी बनी नहीं है, तो बस अब मैं इसको पकाती हूँ और फिर इसमें पनीर डालती हूँ। तो यहाँ देखो गाइस मैंने ना अपनी पनीर डाल दिया, तो अब थोड़ा सा मैं इसको 2-3 मिनट के लिए पकाने के लिए रखती हूँ, और उसके बाद फिर मैं और ग्रेवी बनाऊँगी थोड़ा सा, क्योंकि हमें सूखा सूखा नहीं बनाना है, हमने थोड़ा ग्रेवी वाला बनाना है। तो अभी पहले इसको पकने देती हूँ बस। और वैसे तो हो सकता है आप लोग नहीं करते होंगे, लेकिन मैं तो थोड़ा सा दही का यूज़ भी करती हूँ, तो मैं थोड़ा सा दही डालूँगी इसमें, जिससे कि ग्रेवी भी अच्छी बने और टेस्टी भी बने। तो हो सकता है आप लोग नहीं ट्राई करते होंगे, लेकिन मैं ट्राई करती हूँ। ये मेरा पूछा मैंने यहाँ रखा था ताकि गंदा फैले, तो पर चलो देखते हैं अभी बनने। तो ये देखो गाइस मेरे पास तरी वाली बन गई है पनीर, बस अब मैं इसको थोड़ा सा उबालूंगी और उसके बाद इसको मैं बंद कर लूँगी, फिर जाके देखो मस्त बन गई है मेरे पास ये पनीर। ये देखो
तो बस अब थोड़ा सा, बट दही की जगह ना आप मलाई या बटर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने मलाई और बटर की जगह ये दही यूज़ की है ताकि थोड़ा सा ज़्यादा ग्रेवी बने। तो बस ये मस्त बन चुका है, और अब बस थोड़ा सा इसको पका लेती हूँ, फिर मैं इसको बंद करूँगी। अब इसको उबलने देती हूँ। इनकी सफाई भी मेरी हुई है, गैस में तो मैंने साथ साथ पूजा मार दिया था, बर्तन मैंने धो दिए थे, तो बस यही था मेरा काम। तो 4:30 हो चुके हैं ऑलमोस्ट, और मेरा काम भी फिनिश हो गया है। आज मैंने डिनर जल्दी बना दिया, मैंने तो चांचल ने भी नहीं खाया अभी कॉलेज से आके, तो उसको ना भूख लग जाएगी, तो इसलिए मैंने जल्दी बना दिया अपना डिनर आज, और ताकि फिर शाम को ना आराम से जल्दी खा के आराम से अपना अपना काम कर सकते हैं, वो भी पढ़ने बैठ सकती है और मैं भी फिर अपना बस आराम से बैठ सकती हूँ। तो बस आज का डिनर मेरा तैयार हो गया। आज के डिनर में बनाई है मैंने पनीर, और चावल के साथ भी खा सकते हैं, फुलके के साथ भी खा सकते हैं। तो अब अगर मुझे फुलके खाने होंगे तो मैं फुलके बना दूंगी, चावल खाने होंगे तो चावल वैसे भी बचे ही हैं, इसीलिए मैंने थोड़ी सी ये ग्रेवी इस तरह से बनाई है, मतलब इसीलिए मैंने थोड़ी सी ये पानी वाली बनाई है ताकि इसको चावल के साथ भी खाया जा सके। तो बाकी देखते हैं टेस्ट करके, वो तो अब टेस्ट करके ही पता लगेगा कि कैसी बनी है कैसी नहीं, मैंने तो टेस्ट भी नहीं करी है। तो ऊपर चलो ये उबल भी गई है, और ये देखो ये ना कैमरा थोड़ा सा ऐसा हो गया है, बिल्कुल परे लिया था मैंने उसके पास। तो चलो अब चलते हैं किचन से बाहर। तो बस फिलहाल मैं ना थोड़ा सा बाहर को आ गई थी क्योंकि किचन में ऐसा हो गया था, मुझे थोड़ा सा होता है ना तलका वगैरह मारने के बाद, भाई हाथों से भी स्मेल ही स्मेल आ रही है, बस स्मेल मसालों की स्मेल आ रही है अब तो मेरे हाथ से भी। तो चलो फिलहाल बन गया है, और इधर तो आज बारिश लगी नहीं, गाँव में तो काफ़ी बारिश हो रही थी लेकिन इधर आज बारिश हुई नहीं। तो बस आज का मेरा डिनर हो गया तैयार, एंड बस अब शाम का तो कुछ नहीं है, बाकी मैं यही सोच रही थी कि आज जल्दी तो इसलिए बनाया मैंने क्योंकि आज आंचल ने डिनर भी नहीं किया है, तो सोचा मैंने, सॉरी ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट नहीं यार, कॉलेज से आने के बाद इसने खाया नहीं ना, इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ा सा जल्दी बना देती हूँ इसके लिए। एंड तो बस मैं भी बैठी थी पारुल के साथ, और बस थोड़ी देर में पारुल पारुल का ना आना भी अचानक से ही हो जाता है, कब आती है, आज भी उसने सरप्राइज़ ही दे दिया मुझे इस बात का, क्योंकि मुझे तो कोई आइडिया नहीं था कि आज वो आएगी, बट इसको भी थोड़ा सा उसको ऑफिस का काम था, उसको अपनी सिम वगैरह सबमिट करवानी थी, वो सारी चीज़ें तभी वो आई है। तो होप्स हो गई आपको आज का ये ब्लॉग अच्छा लगा हो, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड मिलते हैं बहुत जल्द आपसे एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए अपना ढेर सारा प्यार दीजिए। Thank you.